मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से एक दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट ने रखी इमरजेंसी मीटिंग। लिए गए तीन बड़े फैसले, जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हरा देगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आईपीएल 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब हर एक मुकाबला जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक चेन्नई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। चेन्नई की टीम ने 6 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबले में जीत हासिल की है, तो वहीं 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। यहां पर पहला बड़ा फैसला दीपक चाहर के रिप्लेसमेंट को लेकर के लिया गया है। आपको बता दें, दीपक चाहर पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट मिचेल स्टार्क और सैम करन के संपर्क में है। जल्द ही इन दोनों ही खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्वाइन कर सकता है। यहां पर दूसरा बड़ा फैसला तेज गेंदबाजी को लेकर के लिया गया है। आपको बता दें, अभी तक तेज गेंदबाजी फ्लॉप साबित हुई है, इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। लगातार महंगे साबित हो रहे क्रिस जॉर्डन की जगह ड्वेन प्रिटोरियस या फिर एडम मिलने को टीम में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ मुकेश चौधरी भी अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं। मुकेश चौधरी की जगह राजवर्धन हैंगरगेकर को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। यहां पर तीसरा बड़ा फैसला खराब फील्डिंग को लेकर के लिया गया है। लगातार खराब हो रही फील्डिंग को लेकर के टीम मीटिंग में चर्चा की गई। टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि वो फील्डिंग पर विशेष ध्यान देने वाली है और आने वाले मुकाबलों में सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, खासकर फील्डिंग के एरिया में। निश्चित तौर पर अगर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर अब अच्छा करते हैं तो सीधा सा मतलब है कि चेन्नई के पास एक बार फिर से प्ले ऑफ में पहुंचने के चांसेस बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।